ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले अब तक जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज कराऊंगा। जो रिवाइज करवा रहा हूँ वो कुछ इस तरह का रिवीजन है कि आगे भी पढ़ा रहा हूँ और रिवाइज भी करा रहा हूँ, ठीक है? उसको ध्यान से देखिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी से फ्रॉम दिस ऑनवर्ड कि ऑलवेज मेरा SHM मीन से स्टार्ट हो रहा है, यह मैं मान के चल रहा हूँ। क्लियर है? मान के चल रहा हूँ कि मेरा SHM मीन से स्टार्ट हो रहा है ऑलवेज। जो जो काम मैं मीन के लिए करूंगा वही काम आपको एक्सट्रीम के लिए कर लेना है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब आप बेसिक लेक्चर कर लिए हैं, आपको मालूम होगा। चल यहाँ से बॉडी स्टार्ट, ठीक है? सबसे पहले मैं इसका इक्वेशन लिखेंगे, थोड़ा मुझे हेल्प करिए इक्वेशन लिखने में। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? x = ठीक है, यस। हम डायग्राम देखेंगे, देखो ध्यान से, पढ़ भी रहे हैं आगे भी देख रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। अब अपना पेन को कंट्रोल में रखो, आई विल डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में साइन है, साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट पे वेरिएशन हो रहा है वो साइन के अलोंग हो रहा है। किसके अलोंग हो रहा है? साइन, साइन के अलोंग। यहां मैं डिस्प्लेसमेंट का बनाऊंगा, यहां मैं वेलोसिटी का बनाऊंगा, यहां मैं एक्सेलरेशन का बनाऊंगा। क्लियर है? इस साइन का डायग्राम है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इसका डायग्राम वेलोसिटी कॉस का है, इसका इक्वेशन कुछ ना कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा ना ये गलत डायग्राम बन गया। अच्छा डायग्राम होगा, ठीक है? और फिर से एक्सेलरेशन में साइन है तो साइन का फिर से ध्यान से देखते जाओ। मैं कॉस को फिर से बनाऊंगा, कॉस पोजीशन सही नहीं हुआ। नाइन्टी 170 360। क्लियर हो गया, ठीक है? 90 180 270 360। डाउट नहीं है? देखो डायग्राम, एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन मालूम, 90 180 270 360। कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। अब देखते हैं ध्यान से, एक बार रिवाइज करेंगे। मीन से स्टार्ट हो रहा। तो इसलिए पोजीशन वन या हो गया, पोजीशन टू या हो गया, पोजीशन थ्री या हो गया, पोजीशन थ्री हो गया। मुझे बताओ पोजीशन वन θ = 90। फिर वही बात, फिर वही जीरो 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 स्टार्ट हो रहा है। मीन से स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है। एंगल तो अभी जीरो जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो सर। देखते हैं डायग्राम फॉलो होता है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एक काम करो, आप लोग म्यूट कर लो, होगा क्लास, आप लोग म्यूट कर लो, मैं बताता चलता हूँ, बोलता चला जाता हूँ। एक बार फाइनल रिवाइज करो। साइन जीरो जीरो,
डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम है, साइन जीरो जीरो, तो देखो यहाँ डायग्राम जीरो पे है, ठीक है। फिर बॉडी मूव, अभी बॉडी यहाँ है, बॉडी मूव करते 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 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बॉडी आ गया, मतलब एंगल थीटा बना दिया, 90 बना दिया। अब पोजिशन टू पे आ गया, थीटा इजकल टू 90 हो गया, ध्यान से देखो थीटा इजकल टू 90। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए बना रहा हूँ, थीटा इजकल टू 90 थीटा पे जब डालेंगे तो साइन 90 कितना होता है 1, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए हो जाएगा। तो दिस इज ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट इज ए। अभी डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बना रहा हूँ, पोजिशन 90 पे था डिस्प्लेसमेंट ए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, डिस्प्लेसमेंट जीरो था, दिख रहा है ना, इस पोजिशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फिर बॉडी ऊपर से फिर मीन पे आ गया, फिर से बॉडी मीन पे आ गया, पोजिशन फिर से वन पे आ गया। देखो बॉडी ऊपर गया था, फिर से घूम के नीचे आ गया मीन पे, पूरा साइकिल दिखा रहा हूं मैं, फिर से पोजिशन वन पे आ गया, फिर से थीटा कितना हो गया जीरो, कैसे हो जाएगा 180 हुआ थीटा। बॉडी यहां से यहां गया, अब देखो साइकिल, अब साइकिल बॉडी यहां आ चुका है, तो प्रोजेक्शन यहां पे बनेगा, लेकिन एंगल हो गया 90 180, दिख रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं क्या किया मैंने? हां सर 180। हां सर 180। जब भी बॉडी मीन पे हो, जरूरी नहीं है कि जीरो हो, मीन पे दो बार आ रहा है, एक बार ऊपर जाके फिर से आ रहा है, तो 180 डिग्री बन चुका है। अभी बॉल यहाँ आ चुका है, पहले बॉल यहाँ था, बॉल यहाँ आ चुका है, हाफ साइकिल पूरा रोटेट हो चुका है, इसका प्रोजेक्शन मीन पे है, बट द एंगल इज 180, एंगल इज 180, साइन 180। आपको अगर नहीं याद है तो अभी के लिए जान लीजिए, डायग्राम बना के देख लीजिए, जीरो होता है, फिर से हम डिस्प्लेसमेंट इसमें 180 डालेंगे, फिर से पूरा जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो थीटा भी 180 आ गया, फिर से पोजिशन वन पे आ गया, फिर से 180 हो गया और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फिर से बॉडी अब नीचे आ गया, यहाँ आ गया, पोजीशन P3 पे आ गया, बॉडी रोटेट करते हुए एंगुलर बॉडी यहाँ आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 270। अब 270 का वैल्यू होता है माइनस वन, वैल्यू कितना होता है 270 का, साइन 270 का माइनस वन, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, माइनस ए वैल्यू हो जाएगा। देखो दिस इज ए, तो यह माइनस ए हो गया कि नहीं, ऊपर ए नीचे माइनस हो गया कि नहीं, इस डायग्राम में देखो माइनस ए दिख रहा है कि नहीं, मैं मेरा मालूम पड़ता है कि नहीं, मालूम पड़ता है, तो माइनस ए हो गया, फिर से मीन पोजीशन पे चला गया, फिर से पोजीशन वन पे चला गया, थीटा कितना हो जाएगा 360। देखो पूरा घूम के फिर से बॉडी यहाँ पे आ गया है, पूरा घूम के बॉडी 360, साइन 360 डालेंगे कितना आ जाएगा जीरो, फिर से यहाँ पे जीरो। इज इट क्लियर टू, क्रिस्टल क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर? यस सर। हाँ सर, अब हाथ से मूव करते हैं, दिस इज SHM, दिस इज मेरा उंगली बॉडी है जो मूव करता जाता है, आप डिस्प्लेसमेंट बोलते जाओगे, अब अनम्यूट करो, बोलो एक राग में, एक गाना की तरह बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो, बोलो दिख रहा है 90 पे ए, बोलो आपने दिख रहे सर जीरो, मैं क्यों नहीं दिखता हूँ यार, क्यों मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ सर, आप दिख नहीं रहे, मैं दिख रहा हूँ। हाँ सर, आप दिख रहे हो, चलो चलो शुरू करो, जीरो नहीं दिख रहे, कोई बात, चलो खत्म करते। सो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, ये स्क्रीन शेयरिंग करो और फिर आप आए, चलो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये समझ में आया। देखो मैं बोल देता हूँ एक बार, अभी डिस्प्लेसमेंट जीरो, एंगल जीरो, डिस्प्लेसमेंट नाइन, एंगल 90, डिस्प्लेसमेंट ए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एंगल 270, डिस्प्लेसमेंट माइनस ए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, माइनस ए, एंगल 360, जीरो। क्लियर है आपको? जीरो। यस सर। यस सर।
चलिए अब वेलोसिटी डायग्राम देखेंगे. नाउ वी विल सी वेलोसिटी. नाउ वी विल सी वेलोसिटी. अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हो गया. अब ये क्वेश्चन ए ओमेगा कॉस ओमेगा, इसको ध्यान से देखिए. अब इस वेलोसिटी वाले डायग्राम को देखिए. वेलोसिटी कॉस का डायग्राम है, इसको भी थोड़ा इजी कर लो. अब चलो थीटा इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी के. थीटा इज पोजीशन वन थीटा इज इक्वल टू जीरो, कोई डाउट नहीं है. वेलोसिटी क्या होगा? पुट करो ए ओमेगा कॉस जीरो वन होता है तो ए ओमेगा बचेगा. ए ओमेगा मतलब मैक्सिमम. देखो यहाँ जीरो पे ए ओमेगा है कि नहीं? हाँ सर मैक्सिमम. हाँ सर दिख रहा है कि दिख रहा है? यस सर. हाँ सर. चलो यस थीटा बॉडी ऊपर चला गया. बॉडी ऊपर चला गया पोजीशन टू पे. पोजीशन टू पे थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 कितना? जीरो जीरो जीरो. देखो यहाँ पे जीरो दिख रहा है सर. दिख रहा है जीरो 90 पे. देखो 90 है ये पोजीशन. ये पोजीशन 90 जीरो. चलो पोजीशन फिर से वन आ गया. घूम के ऊपर जा गया फिर से बीच में आ गया. पोजीशन वन आ गया. थीटा इज इक्वल टू 180 थीटा इज इक्वल टू 180 थीटा इज इक्वल टू. जब 180 होगा मतलब बिल्कुल यहाँ पे हो गया माइनस ए ओमेगा. माइनस ए ओमेगा. माइनस ए ओमेगा. देखो इसका वैल्यू माइनस ए ओमेगा है. दिस इज ए माइनस ए ओमेगा. समझ में आ रहा है? यस सर. वेरी गुड. फिर थीटा इज इक्वल टू पोजीशन 3 पे आ गया. 270 पे थीटा इज इक्वल टू 270 मुझे बताइए 270 cos 270 का वैल्यू कितना होता है? 0 वैल्यू कितना हो जाएगा? ए ओमेगा. मैक्सिमम ए ओमेगा. ए ओमेगा. ए ओमेगा. चलो ध्यान से देखो. ध्यान से वेलोसिटी अभी कितना है? थीटा जीरो वेलोसिटी ए ओमेगा. थीटा 90 वेलोसिटी जीरो. क्लियर है? थीटा 180 वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा. माइनस ए ओमेगा. थीटा 270 जीरो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जीरो. थीटा 360 वेलोसिटी ए ओमेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए एक्सलेशन का इक्वेशन क्या है? मैंने गलती से रब कर दिया. एक्सलेशन का इक्वेशन क्या है? ए ओमेगा स्क्वायर साइन माइनस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा. ठीक है. हाँ यस सर. चलिए एक्सेसन वाले इक्वेशन को देखिए. थीटा अब थीटा इज इक्वल टू जीरो पोजीशन वन है. पोजीशन वन थीटा इज इक्वल टू जीरो. एक्सेसन क्या होगा? जीरो साइन जीरो कंप्लीट जीरो हो जाएगा. एक्सेसन जीरो दिख रहा है यहाँ? जीरो. हाँ सर. यस. थीटा इज इक्वल टू 90 पोजीशन कहाँ जाएगा? एक्सट्रीम पे. हाँ मैक्सिमम माइनस ए ओमेगा. कितना हो जाएगा? माइनस माइनस होगा ना कि माइनस माइनस प्लस है कि ए ओमेगा स्क्वायर. थीटा इज इक्वल टू 360 जीरो. चलो कुछ क्वेश्चन है आपसे. सुनो क्वेश्चंस. एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ से? एमसीक्यू क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इफ दिस इज द एक्सेलरेशन डायग्राम ऑफ एसएचएम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका वैल्यू क्या होगा? यस जल्दी बताओ. माइनस एम ओमेगा स्क्वायर.
क्या होगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. एक्सेलेंट. ए ओमेगा. यस सर. एक्सेलेंट. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन एसएचएम. व्हाट इज दिस? जीरो. जीरो. जीरो दिख रहा है आपको? ये दूरी दूरी जीरो दिख रहा है आपको? जीरो तो ये पॉइंट है. जीरो तो ये पॉइंट है. 190. क्या कुछ भी. अरे ए ओमेगा. ए ओमेगा मैक्सिमम है सर. वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा होता है ना? हां. आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन सर वेलोसिटी के लिए तो आपको ये डायग्राम बनाना था. आपको लग रहा होगा, लग रहा है ना? क्वेश्चन देने वाला बोला है क्या? क्वेश्चन देने वाला बोला है क्या? बॉडी मीन से स्टार्ट हुआ है, एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है? हां वही नहीं बोला है ना? इसका मतलब क्या है? लेकिन बात तो कॉमन है ना कि कहीं से भी स्टार्ट हो, मैक्सिमम वेलोसिटी है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो ये ए ओमेगा ही होगा. यस सर. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. हाँ, उसके बाद क्वेश्चन दे देगा. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज दिस? सर. ए. क्लियर हो गया? यस सर. मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा होगा तभी मजा आ रहा होगा. यस सर. नहीं तो बहुत ही ज्यादा बोर लग रहा होगा. लग रहा होगा पता नहीं क्या सर, ऐसा लग रहा होगा. समझ में आ रहा है सर. राखी के दिन यार अपना पेन मत यूज करो, ठीक है? राखी के दिन मैं आपको ज्यादा बोर्ड नहीं करूंगा, तो इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा देता हूँ. छोड़ दो, अब तक जो पढ़ाया रिवाइज हो गया. मैं इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा देता हूँ कुछ तो, क्या बोर्ड ना हो, ठीक है ना? सर. और शाम में इसके आगे पढ़ लीजिए फिर, कि आगे ही पढ़ा दो. चलिए चलो शाम में पढ़ा देता हूँ. राखी अपना राखी एंजॉय कीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा देता हूँ, ठीक है? चलो आज हम मैं बाइक के बारे में पढ़ाता हूँ. बाइक इंटरेस्टिंग है? बाइक इंटरेस्टिंग है, रेफ्रिजरेटर इंटरेस्टिंग है, बताओ क्या पढ़ा दूँ? बाइक बाइक बाइक. चलो आज बाइक के बारे में बताते हैं. बाइक बाइक बाइक. चलो बाइक, चलो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा गाड़ी के बारे में बात करें. देखो पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है, खेल खेल के पढ़ा रहा हूँ, बट ये भी इंटरेस्टिंग है. आप देख ध्यान से देखिए. चलिए आप बाइक में सुनते होंगे दो तरह का शब्द होता है. तो साइकिल का होता है अलग, होता तोड़ करा भाई. टू स्ट्रोक ना भाई. फोर स्ट्रोक. तो चाल अंदर से तोड़. सर माइक में पूरा. सर माय फ्रेंड, ऑसिलेशन इज अ टिपिकल टॉपिक. अभी जो मैं पढ़ाया हूँ इसको फिर से अपलोड कर दूंगा. चारों लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए. बहुत सारे बच्चों ने बिना रिवाइज किए हुए आए होंगे, तो एक मौका दे रहा हूँ. बिकॉज जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना एसएचएम का, जो कि मैं भर भर के कराने वाला हूँ, इस बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, 500 न्यूमेरिकल मैं खुद कराऊंगा लगातार. मतलब अगर आप एसएचएम का लेक्चर रिवाइज नहीं करेंगे तो अगला 5-6 क्लास आपका वर्स्ट जाने वाला. आपको लगेगा डिग्निट्री का पढ़ाई बिल्कुल घटिया है, कुणाल से बिल्कुल घटिया पढ़ाते, आपको ऐसा लगेगा. बिकॉज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप पीछे का रिवाइज नहीं करते. सिंपली मैं थीटा बोलूंगा, ए ओमेगा स्क्वायर बोलूंगा, ए ओमेगा बोलूंगा, एनर्जी निकालूंगा, ऐसे करता चला जाऊंगा. टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सारा कंसेप्ट क्लियर चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आएगा. नहीं तो इसमें गारंटी नहीं समझ में आएगा. इसीलिए अभी भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा के इसको भी अपलोड कर दूंगा. इसको आप बार बार देखिए लेक्चर्स को. चार लेक्चर ऑसिलेशंस का हो गया है, फंडामेंटल ऑफ ऑसिलेशंस क्लियर है. अब इसके बाद मैं थोड़ा टिपिकल टॉपिक लूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. इसलिए टॉपिक्स को बार 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 देखिए, फंडामेंटल क्लियर कीजिए. आगे इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को रिवाइज करके नहीं आए होंगे, उनको समझ में भी नहीं आएगा, बोर भी होंगे, इसलिए इतना रिवाइज कीजिए. शाम में मैं एक्सटेंड करूंगा ऑसिलेशंस को, एसएचएम को. अभी मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग भी बातें बता देता हूँ, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. चलिए ध्यान से देखिए. आप सुनते होंगे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे बच्चों को बाइक में, जिसको टेक्निकली बोलूँ तो हीट इंजन बोलूंगा, इंजन में, हीट इंजन में बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत कुछ जानते भी होंगे. आप शेयर कीजिए अपना इंफॉर्मेशन नॉलेज और थोड़ा सा दूसरे को सीखने दीजिए गाड़ी कैसे काम करता. चलो, गाड़ी का एक इंजन होता. सबसे पहले मैं फोर स्ट्रोक पढ़ा रहा हूं. मैं फोर स्ट्रोक पढ़ा. चलो सिलेंडर को मैं वर्टिकली अपवर्ड कर देता हूं.
इंजन इंजन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बचा हुआ चीज भी पढ़ाऊंगा, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग सिस्टम, ऑल दीज सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट फर्स्ट इंजन इज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंजन. इंजन में सबसे पहले मैं दो तरह का इंजन होता है, टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन, इसका बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ. और डिटेल्स में आजकल गाड़ियां जितनी भी गाड़ियां यूज आ रही है नॉर्मली सब फोर स्ट्रोक गाड़ियां आ रही है. टू स्ट्रोक गाड़ियां आती भी होंगी तो कम आती होंगी, पहले आती थी जितनी, पहले स्कूटर हुआ करता था वेस्पा का वो सब टू स्ट्रोक हुआ करता था, अब गाड़ियां फोर स्ट्रोक आने लगी. सो फोर स्ट्रोक गाड़ियां आने का सबसे बड़ा कारण है कि थोड़ा सा फोर स्ट्रोक गाड़ियां इफिशियंट होता है ज्यादा टू स्ट्रोक से. चलिए हम पहले बेसिक डिफरेंस समझेंगे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में. बेसिक डिफरेंस समझने से पहले थोड़ा सा फोर स्ट्रोक पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस समझ में आएगा. सो सबसे पहले हम फोर स्ट्रोक थोड़ा सा पढ़ेंगे जल्दी से, फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे और फिर डिफरेंस देखेंगे. चलो व्हाट इज फोर स्ट्रोक, फोर का क्या मतलब है फोर स्ट्रोक. देखो ध्यान से, ये सिलेंडर है, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, एंड दिस इज पिस्टन, दिस इज पिस्टन. पिस्टन सिलेंडर को थोड़ा सा मैं नीचे बना लेता हूँ, स्पेस मिल जाएगा. म्यूट रखिए अपना साउंड. और ये जो है कनेक्टेड है इससे, इसको वर्टिकली ही कर लेता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड ही कर लेता हूँ. अब ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है, यह एक रफ डायग्राम है, ये एक रफ डायग्राम है, एकदम रफ. चलो क्या होता है, देखो यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है, आप टेक्निकली उतना नहीं जानते हैं, कैम एंड पिस्टन अरेंजमेंट होता है. आप इतना जानिए कि जगह दो वाल्व होगा, ठीक है. एक इनलेट वाल्व बोलते हैं, एक आउटलेट वाल्व बोलते हैं. एक इनलेट है, एक आउटलेट है. मैं डायग्राम से दिखा, इसको नीचे से दिखा देते हैं यार. ये आउटलेट है, ध्यान से समझते रहे, म्यूट कीजिए अपना साउंड, ध्यान समझिए. यह जो वाल्व है वो खुलता बंद होता है, उसके लिए रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, कैम एंड रॉकर अरेंजमेंट होता है. कैम लगा होता है, इस तरह से कैम लगा होता है यहाँ पे, उसको छोड़ देते हैं. आप समझिए कि खुलता है बंद होता है, कैसे खुलता है बंद होता है नहीं मालूम आप. एक इनलेट है, एक आउटलेट है. सबसे पहले चार पोजीशन होगा. सबसे पहले पिस्टन, देखो पिस्टन में क्या होगा, सबसे पहले खुद से ही मान लो ये रोटेट होगा और ये पिस्टन जो है नीचे आ जाएगा. अब पोजीशन देखो, फर्स्ट पोजीशन देखो, ये खुद से ही ये वाल्व हो गया. आपको टाइम दूंगा आज, थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए पढ़ा रहा हूं. ये पिस्टन है हमारा, आप देखो ये पिस्टन जो ऊपर था पिस्टन नीचे आ गया. कैसे आ गया, ये क्रैंक घुमा है, आप प्रैक्टिकल नाम नहीं जानते, यहाँ एक रोटर है वो घुमा है और ये पिस्टन नीचे आ गया. जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा, अभी आउटलेट जो वाल्व है वो बंद है, दिस इज क्लोज्ड. इनलेट वाल्व खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, इसमें अरेंजमेंट है, कैम अरेंजमेंट है, उससे खुद ही खुल जाएगा. और ये सक्शन होगा, इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा और फ्यूल अंदर आ जाएगा. अभी देखो फ्यूल अंदर आ गया, क्या अंदर आ गया, क्या अंदर आ गया, फ्यूल. इंजन में फ्यूल आ चुका है, ये सब माइक्रोसेकंड के अंदर होगा, माइक्रोसेकंड के अंदर होगा. अभी आपको स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, फ्यूल अंदर आ गया. जो कहते हैं सक्शन स्ट्रोक, क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक. सक्शन स्ट्रोक मतलब सक्शन हो गया, फ्यूल सक हो गया. अब फ्यूल कितना सक होगा ये किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. जितना बड़ा रहेगा उतना ही तेल अंदर जाएगा. और जो आप सुनते हैं ना 100 सीसी का, 200 सीसी का, 1000 सीसी का इंजन सुनते हैं ना, यह जो सीसी है क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर. यह क्यूबिक सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्टिकुलर सिलेंडर, इसी सिलेंडर का वॉल्यूम. तो जितना ज्यादा सीसी का होगा इंजन उतना ही ज्यादा तेल. तो सीसी जो है यूनिट, सीसी जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है ना कि पावर का. ऑब्वियसली ज्यादा सीसी होगा तो ज्यादा पावर डेवलप होगा, क्योंकि ज्यादा तेल अंदर आएगा, उतना ही ज्यादा पेट्रोल भी लगेगा गाड़ी, तो उतना तेल अंदर आ गया. तो सिलेंडर इंजन का वो है. अब ये क्रैंक फिर से आधार, अभी तो 1/4 रोटेट हुआ है. अभी देखो क्रैंक अगर यहाँ पे है, ये रोटर जो है यहाँ पे, वहां से सिर्फ यहाँ पे आया,
1/4 साइकिल की तरह, और ये नीचे पहुंचा दिया इसको, फिर और ये रोटेट होगा, कैसे रोटेट हो रहा है उसको भी बाद में देखेंगे। तो यह फिर से पिस्टन ऊपर चला जाएगा, फिर से पोजीशन देखो, ये पोजीशन वन था, ये पोजीशन टू था, पोजीशन टू पे आ गया। अब सेकेंड स्ट्रोक होगा, इसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन साइकिल भी बोलते हैं, स्ट्रोक फोर स्ट्रोक है इसलिए स्ट्रोक बार बार बोल रहा हूँ। फिर से ऊपर चला गया, जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली, अब अच्छा जब ऊपर जाएगा तो दोनों वाल्व बंद हो चुका, आने सक्शन के टाइम पे वाल्व खुला, तेल अंदर आ गया, अब फिर से वाल्व बंद हो गया, अब ये पिस्टन ऊपर चला गया। अब क्या होगा दोस्त, ऊपर जाएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, पूरा फ्यूल जो है पूरा कंप्रेस हो जाएगा। अभी ये पूरा फ्यूल कंप्रेस्ड हो गया इस पोजीशन, वाल्व बंद है, अभी बाहर नहीं निकल सकता, पूरा कंप्रेस्ड हो गया। ये कंप्रेस्ड है भाई, कंप्रेस्ड है ना। हाँ सर। इसी टाइम पे यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा होगा, नाम तो सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता था, स्पार्क प्लग निकाल के साफ कर लेते हैं। हाँ, ना स्पार्क प्लग, यस सर। इस जगह एक स्पार्क प्लग लगा होगा, स्पार्क प्लग बहुत ही कम वोल्टेज का, हल्का सा लुत्ती टाइप, हल्का सा एकदम उसमें एक स्पार्क डाल देगा, आग डाल देगा। अब तो एक तो फ्यूल पेट्रोल उस पर से कंप्रेस किया हुआ और उसमें आग चला गया, अब क्या होगा, एनर्जी क्रिएट आग लगेगा, उसमें आग लग जाएगी तेल में, हाँ। और उसको धक से नीचे की तरफ मारेगा, धक से मारेगा। तो थर्ड स्ट्रोक जो है वो पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जलेगा, और पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन रुका हुआ होता है, अभी इसमें पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं, जला है उसको हम बोल रहे हैं पावर स्ट्रोक। और चौथा स्ट्रोक है एक्सपेंशन स्ट्रोक, मतलब कि धक से जो मारा अब फिर से नीचे आ जाएगा पिस्टन, जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा पोजिशन टू पे फिर से आ जाएगा, और हम बोले एक्सपेंड हो गया, देखो इसके अंदर जो तेल है फिर से एक्सपेंड हो गया ना, आग लगा हुआ एक्सपेंड हो गया ना, तो बोलते एक्सपेंशन स्ट्रोक। अब एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ध्यान सुनते रहो, अभी भी पूरा बात नहीं हुआ, थोड़ा सा और देखते हैं, हो गया एक्सपेंशन, यस सर। फिर से पिस्टन ऊपर चला जाएगा, अब क्या होगा, अभी भी इनलेट वाल्व बंद है, आउटलेट वाल्व खुल गया, और ये पूरा जला हुआ आग पेट्रोल सब बाहर निकल जाएगा, अब बाहर से धुआं निकलते हुए देखते हैं ना, वो यही से निकलता है तुरंत। अब पिस्टन नीचे से फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते वक्त क्या करेगा वो, फिर से इसको बाहर छोड़ देगा, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन एग्जॉस्ट जो है वह इस साइकिल में नहीं आया, मतलब एग्जॉस्ट सिर्फ निकालने का काम है, बस ये निकाल, अभी यह नहीं भी निकला तभी हमें पावर मिल चुका है, हमारा पिस्टन को पावर मिल चुका, आई हैव गॉट द पावर, क्लियर है, यस सर, यस सर। तो एग्जॉस्ट इंजन में क्या होता था, हां टू स्ट्रोक इंजन में क्या क्या होता था, अरे अभी फोर स्ट्रोक तो समझ ना भाई, एक करके ना बीच में टू स्ट्रोक कैसे घुसा देगा, ध्यान से बताऊंगा। तो अभी फोर स्ट्रोक हुआ ना, फोर स्ट्रोक, हाँ सर। अब ये वाल्व खुल जाएगा, पूरा तेल जो है, जला हुआ जो धुआं है, तेल क्या है, तेल तो जल चुका है, अब पेट्रोल थोड़ी बचा है, या थोड़ा सा ये जो आग है वो बाहर निकाल देगा धुआं की तरह, ठीक है, यस। हाँ, ये फिल्टर लगा होता है, वो सब होगा, लेकिन बाहर निकाल देगा, एग्जॉस्ट हो गया। अब फिर से पिस्टन ऊपर चला गया, अब फिर से पिस्टन नीचे आएगा, अब फिर से एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा, सक्शन वाल्व खुल जाएगा, इनलेट वाल्व खुल जाएगा, और फिर से फ्यूल अंदर आ जाएगा, फिर से पिस्टन कंप्रेस करेगा, फिर से स्पार्क प्लग उसको आग देगा, फिर से नीचे जाएगा, और ये पिस्टन ऐसे 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 करता रहेगा, और ये जो रोटर है, मैं बार बार रोटर बोल रहा हूँ आपके लैंग्वेज में, ये रोटेट करता रहेगा,
और इसके साथ ही एक शाफ्ट लगा हुआ है, वो शाफ्ट में आपका व्हील लगा हुआ है, ये रोटेट होगा तो व्हील भी रोटेट होगा। क्लियर है आपको? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बेसिक आइडिया लगा, बेसिक आइडिया। पूरे स्ट्रोक इसको इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि चार स्ट्रोक में हो रहा है, मतलब ये चार काम होगा तब आपको एक बार पावर मिलेगा। दिस इज पावर स्ट्रोक, या चार काम होगा तो एक बार आपको पावर मिलेगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। मैं फिर से रिपीट एक लाइन कर देता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑसिलेटरी मोशन, जिसका एक पार्ट है SHM। SHM को कंटिन्यू इसलिए नहीं किया हूँ कि बहुत सारे बच्चा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पीछे का लेक्चर रिवाइज करके नहीं आए होंगे, उसको आगे भी नहीं समझ में आया होगा, अभी जो पढ़ाया हूँ थोड़ा सा SHM वो भी नहीं समझ में आया होगा। अभी मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा, पहले SHM का चारों लेक्चर आप रिवाइज करेंगे तो मैं आगे शाम में पढ़ाऊंगा। एक तो एमईआर है, दूसरा राखी का दिन है, आपको ज्यादा बोर्ड नहीं करना चाहता हूँ डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ा के, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके सर। हाँ, तो ये चार स्ट्रोक हो करके पावर स्ट्रोक बना और आपके इंजन को पावर मिल गया। क्लियर है आपको? अब अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको एक कुछ बात लगा होगा, तो लगा होगा कि सर ये पावर स्ट्रोक में तो पिस्टन धक से नीचे आएगा, तो हम लोग गाड़ी में ऐसे क्यों नहीं फील करते, व्हील एकदम से तेज क्यों नहीं हो जाता, पहला। दूसरा कि सर ये काम तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुआ होने लगता होगा ना? यस सर। तो फिर गाड़ी स्टार्ट करते ही गाड़ी चलने क्यों नहीं लगता है, जब हम क्लच और गियर लगाते हैं फिर क्यों चलता है? ये सब भी मतलब क्लच गियर ये सब का यूज आपको भी थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा और ज्यादा कलरफुल हो जाएगा आपका बाइक के बारे में नॉलेज। तो जो नॉलेज बाइक का वही कार का भी है। कार में मल्टीपल इंजन होता है, जैसे भी एक इंजन नहीं सॉरी मल्टीपल सिलेंडर होता है, जैसे इसमें एक सिलेंडर है, आप सुनते होंगे डबल सिलेंडर, फोर सिलेंडर इंजन सुनते हैं ना? फोर सिलेंडर इंजन का मतलब क्या है, इस तरह से उसको अरेंज किया गया है कि ऑलवेज एक इंजन पावर दे रहा, ऑलवेज एक इंजन पावर दे रहा, मतलब बहुत पावरफुल गाड़ी होगा। अब इसमें क्या है, तीन साइकिल ऐसा साइकिल, अब एक इंजन लगा हुआ, एक सिलेंडर लगा हुआ, तीन साइकिल ऐसा जिसमें पावर नहीं मिल रहा, पावर एक ही जगह मिल रहा है, उससे ही चल रहा है तीन साइकिल, तो कम पावर। फोर सिलेंडर, आप जब भी सुनिए कि फोर सिलेंडर है उसमें, समझिए कि लगातार पावर, हर एक साइकिल में पावर है, हर एक साइकिल में पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो अलग अलग सिलेंडर, कई सारा मल्टीपल सिलेंडर इंजन भी होता है, ठीक है? तो यह हो गया। अब मैं थोड़ी सी और बेसिक्स पे ले जाता हूं, अब क्लच और गियर क्या है। अब जो इंजन स्टार्ट हो गया, जैसे ही बाइक स्टार्ट करते हो या होना शुरू हो जाता है, या पिस्टन जो है ना वो ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है, बाइक स्टार्ट है, अभी आप खड़े हो लेकिन बाइक स्टार्ट है, क्यों? ये जो कनेक्टेड था रोटर से, रोटर का जो ये था उसमें क्या होता है, डिस्क होता है, डिस्क ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लच की बात कर रहा हूँ, डिस्क क्लच भी होता, ठीक है? ऐसे अब ये मेरा हाथ जो है वो कनेक्टेड है इंजन से, और ये जो हाथ है वो कनेक्टेड है व्हील से। गाड़ी स्टार्ट हो गया है लेकिन दोनों अलग अलग, ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट ही नहीं हो रहा, रोटेट हो रहा। अब मैं क्लच लगाया, जैसे ही क्लच लगाया चिपक गया, मतलब क्लच लगा के अब गियर लगा दिया तो चिपक गया, अब ये दोनों चिपक गया, अब ये रोटेट हो रहा है, अब जैसे ही तुम अपना क्लच छोड़ोगे, अब गियर के साथ कनेक्ट हो गया है, गियर दोनों कनेक्ट हो गया, जैसे ही तुम छोड़ोगे क्या होगा, ये भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा इसके साथ साथ। तो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, समझ में आ रहा है? यस। गियर क्या करता है, गियर क्या करता है, उसको इंगेज करता है, इसको कहते हैं ड्राइविंग और ड्राइविंग शाफ्ट, ये ड्राइविंग शाफ्ट है जो ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट है जो ड्राइव हो रहा है, इस दोनों को इंगेज करता है। अगर गियर नहीं लगा हुआ तो इंगेज नहीं है, फ्री है दोनों, गाड़ी स्टार्ट है फिर भी ये रोटेट हो रहा है बट ये रोटेट नहीं हो रहा। अब गियर भी कई तरह का है, अब देखो दो गियर, अब एक गियर ये है, अब ऐसे बहुत सारा गियर, एक बड़ा गियर है, एक छोटा गियर है, इसका RPM में रोटेट हो रहा है। इस अब मान लो कि ये ड्राइविंग है, ये ड्राइविंग है, ड्राइविंग, और ये ड्राइविन है, ड्राइविन। अब इसका टूथ पे डिपेंड करता है, अगर इसमें 10 टूथ है, इसमें 20 टूथ है,
मतलब एक साइकिल, समझ में आ रहा है, मतलब यह जितना, यह इसका डायमीटर, डायमीटर दोगुना है, तो यह जितना रोटेट करेगा उसका हाफ यह करेगा, हाफ करेगा। अगर इसका हाफ है तो ये दोगुना रोटेट करेगा, अगर अगर इसका जितना डायमीटर है उसका इसका हाफ डायमीटर है, हाफ डायमीटर, या ट्वाइस के मल्टीप्लाई में। इंजन का स्पीड सेम है, सिर्फ इसका आरपीएम चेंज करके हम गाड़ी का स्पीड बढ़ा या घटा लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर नहीं समझे, नहीं समझे। अब देखिए, अब लेक्चर खत्म हो रहा है। हाँ लेक्चर तो खत्म हो रहा है, और देखना है तो सेम। अब ये देखो, ये बड़ा देखो, ये पूरा एक बार रोटेट हो जाएगा। मैं लेक्चर में हूँ, लेक्चर के बाद आई विल कॉल यू बैक। अब एक बार ये पूरा रोटेट हो जाएगा एक राउंड, लेकिन यह यहाँ से इतना ही राउंड रोटेट हुआ। यह दो राउंड रोटेट हो जाएगा तो यहाँ से इतना ही राउंड रोटेट हुआ। यह तीन राउंड रोटेट हो जाए तो यह एक राउंड हुआ। एक काम करो, अगर आपको और समझना है तो आप सेम लिंक, जिस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन आए हैं, अभी लेक्चर बंद हो जाएगा, सेम लिंक पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा और बता देता हूँ। क्लियर है आपको? यस सर। सेम लिंक पे क्लिक करके आइए, थोड़ा सा गियर का कंसेप्ट बता देता हूँ। सेम लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन आइए।